तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आपने अपने गेम्स ऐप के साथ टोन वैलेट को किस तरह कनेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे अर्न वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डेली चेकइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको कह रहा है ओपन वैलेट इन टेलीग्राम, या नीचे और भी टोन वैलेट इन्होंने दिए गए हैं इस पर आप अपना जेम्स ऐप है उसको कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। तो वैलेट इसमें बहुत सारे आपको दिए गए हैं, देख भी रहे होंगे आप। तो हम टोन कीपर के साथ इसको आज कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, टोन कीपर के ऊपर, और जस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे जस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके पास टोन कीपर का वैलेट होना लाजमी है। इसके लिए टोन कीपर का वैलेट किस तरह मतलब कि क्रिएट करते हैं, उसका अकाउंट प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल कर लेना है और उसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि उसका अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। ओके सर, अकाउंट क्रिएट करने के बाद जिस तरह आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ इसी तरह आपने करना है। और नीचे कनेक्ट वैलेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंटर पासवर्ड, जब आप अपना वैलेट क्रिएट करते हैं टोन कीपर तो उसका एक पासवर्ड भी मतलब कि क्रिएट करना होता है पासकोड, तो वही पासकोड मांग रहे हैं तो मैं अपना पासकोड यहां पर दे देता हूं। पासकोड देने के बाद ये डन के ऊपर हमारा आ चुका है। तो ये देख सकते हैं हमारा वैलेट कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं डेली चेक इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो कन्फर्मेशन द ट्रांजेक्शन इन टोन कीपर, मतलब कि ये कन्फर्म करा है ट्रांजेक्शन इन टोन कीपर। नोटिफिकेशन भी आ चुका है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ऊपर लोडिंग इनसफिशिएंट फंड्स, तो ये कह रहे हैं कि मतलब कि 2 BPH 0.0 टोन आपके पास होने चाहिए तभी आपके डेली चेक इन है वो रिसीव कर पाएंगे। तो ओके सही है, इसकी कोई मसला नहीं है। तो हम ये बाद में मतलब कि डिपॉजिट वगैरह कर लेंगे और अपना हम डेली चेक इन यहाँ से रिसीव कर लेंगे। तो आपने देख लिए कि हमारा वैलेट कनेक्ट हो चुका है, इस तरह आपने अपना टोन कीपर का वैलेट इसके साथ कनेक्ट करना है। ओके सर।